अगर आप भी खरीदने जा रहे हो सैमसंग M30s और आपके मन में काफ़ी सारे डाउट है, काफ़ी सारे क्वेश्चन है इस फ़ोन को लेकर, तो यहाँ पे मैंने फाइनली एक Q&A वीडियो बना दिया जिसमें आपको सारे क्वेश्चंस के जवाब मिल जाएंगे। कौन से इस फ़ोन में क्या दिक्कत है, नेटवर्क रिसेप्शन कैसा है, गेमिंग कैसी है, ब्राइटनेस कैसी काम करती है, बैटरी कैसी काम करती है, सारे क्वेश्चंस का मैंने एक लिस्ट बनाया हुआ जो कमेंट आया था मेरे पास में उनका, और वो सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर देने वाला हूँ। और इवन मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि ये वीडियो कोई बाइस्ड वीडियो नहीं है, ना ही किसी कंपनी के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है, ना ही किसी कंपनी द्वारा स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है, क्योंकि सच सुनने के बाद में कई लोग ये कहते हैं कि ये तो रेडमी या रियलमी वालों ने स्पॉन्सर्ड किया है इसको, तो इसलिए ऐसा ये बुराइयाँ कर रहा है। मुझे कोई मतलब नहीं है किसी की बुराई करने से या किसी का फ़ायदा करने से, एक यूज़र एक्सपीरियंस मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। जब मैंने फ़ोन ख़रीदा मेरे पैसों का, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस फ़ोन में ये दिक्कत ये खूबियाँ देखने को मिलेगी, वरना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी के पैसे से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बट मैं आपको एक सही सलाह दे सकता हूँ ना कि यार 14,000 रुपये की कीमत में शायद आपको अच्छी चीज़ मिल सकती है। और कई लोग ये बोलेंगे कि चाइना की बड़ाई कर रहा है या फिर वो कर रहा है, भाई सब मोबाइल इंडिया में मैन्युफैक्चर होते हैं, बट जो इंटरनल पार्ट होते हैं वो चाइना से आते हैं अभी भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब यहाँ पे मैं वीडियो शुरू करता हूँ और आपको क्लियरली बताऊँगा कि इस फ़ोन में क्या कमियाँ हैं क्या खूबियाँ हैं, और उसके बाद में इस फ़ोन को लेने का डिसीजन बना रहे हो तो शायद अपने ऊपर डिपेंड करता है वो कि क्या है क्या नहीं है, बट एक रियल ओपिनियन देने का मैटर करता है, क्योंकि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जिनको मतलब मिल चुका है फ़ोन या फिर कुछ भी और वो बुराई नहीं कर सकते। मैं एक्चुअली फ़ोन खुद खरीद के और उसके बारे में सच्चाई बता सकता हूँ, चाहे वो बुराई हो चाहे अच्छा ही हो, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कंपनी क्या सोचती है, कंपनी मुझे इन्विटेशन देती है या नहीं देती है, कंपनी मुझे फ्यूचर में कहीं किसी इवेंट में बुलाएगी नहीं बुलाएगी, आई डोंट केयर, बिकॉज मैं बाय करके रिव्यू कर सकता हूँ, वो अच्छी चीज़ है। सबसे पहले बात करें इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में, कई लोगों का सवाल है कि बिल्ड क्वालिटी कैसी है, तो बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी देखने को नहीं मिलेगी, लो बिल्ड क्वालिटी है, मतलब बैक पैनल भी ठीक तरीके से फिट नहीं किया गया है। यहाँ पे भी अगर आप अमेज़ोन पर भी रिप्लेसमेंट कराते हो तो अमेज़ोन वालों को भी ये बात पता है कि सैमसंग के इस फ़ोन में दिक्कत है, वो ईजिली आपका रिप्लेसमेंट क्रिएट कर देंगे। आज मैंने जब बात की तो उन्होंने ईजिली मेरा रिप्लेसमेंट क्रिएट कर दिया और दूसरा फ़ोन मुझे भेज रहे हैं, उसको मैं ओपन नहीं करूँगा और शायद सेल आउट कर दूंगा, आई डोंट नो, अभी माइंड बदल सकता है। बट बिल्ड क्वालिटी के मामले में आपको यहाँ पे कहना चाहूँगा कि बिल्कुल भी अच्छी बिल्ड क्वालिटी नहीं है, केवल वजन कम करने के लिए इसका प्लास्टिक मटेरियल हल्का यूज किया गया है, बट आपको अच्छी बिल्ड क्वालिटी देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे अगर आप पंच करते हो तो यहाँ पे भी आपको आवाज़ आएगी, मतलब अगर आपका फ़ोन गिर जाता है ना, गिरने के बाद में ये मान लो आपका अगर यहाँ से डैमेज होता है इंटरनली गिरने के बाद में, तो हो सकता है प्लास्टिक के अंदर भी डैमेज हो, क्योंकि प्लास्टिक इतनी कैपेबल नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है कि बाहर ही एक्सटर्नल डैमेज को ये कंट्रोल कर सके। जैसे आपका कोई फ़ोन गिरता है तो प्लास्टिक पहले टूट के रहती है, बट इसमें इतनी कम प्लास्टिक, इतनी पतली प्लास्टिक यूज़ की गई है कि आपके इंटरनली भी डैमेज हो सकता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। और इवन अगर आप फ़ोन ख़रीदने के बाद में भी देख लेना कितनी पतली प्लास्टिक यहाँ पर यूज़ की गई है। सेकेंड थिंग की बात करूँ तो यहाँ पर डिस्प्ले डिस्प्ले वाइज फ़ोन काफ़ी अच्छा है, फुल HD प्लस की आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि मतलब आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देने वाली है। इवन इस रेंज में आपको कोई भी फ़ोन में, किसी और कंपनी के फ़ोन में, रियलमी रेडमी वगैरह में सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को नहीं मिलेगी, और सैमसंग की सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको पता है कि काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी बेहतर होती है, कोई इशू आपको क्रिएट नहीं करेगी। अब बात करें ऑटो ब्राइटनेस सेंसर के बारे में, तो इसमें कोई भी एम्बिट लाइट सेंसर नहीं दिया गया है, केवल जो सारी चीज़ें वर्क करती है वो कैमरा सेंसर से वर्क करती है, ऑटो ब्राइटनेस हो चाहे कुछ भी चीज़ जो यहाँ पे कैमरा के सेंसर से ही वर्क करती है, तो इस बात का ध्यान रखिए कि इसका ऑटो ब्राइटनेस सिस्टम थोड़ा अच्छा काम करेगा बट इतना एक्यूरेट काम नहीं करेगा, क्योंकि ये जो सेंसर वर्क कर रहा है वो कैमरा लाइट सेंसर से वर्क कर रहा है, इस चीज़ का आप ध्यान में रखिएगा। और चार्जिंग टाइम की बात करूँ तो 2.5 से 3 घंटे आपको वेरी कर सकते हैं, लग सकते हैं, और चार्जिंग के दौरान फीट डेफिनेटली हीट होगा, तो वो इशू नहीं है, सारे फ़ोन हीट होते हैं, बट अनलाइक रियलमी के फ़ोन हीट नहीं होते हैं। तो मैं सारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज यहाँ पर लेके चल रहा हूँ कि इस कीमत में आपको कौन कौन से फ़ोन क्या क्या ऑफर कर सकते हैं, मेरा किसी को मोटिव नहीं है किसी को प्रमोट करने का, या फिर किसी चाइना कंपनी, किसी इंडियन कंपनी, या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं एक यूज़र प्रोस्पेक्टिव वे में बात कर रहा हूँ कि आपको क्या चीज़ें सही है क्या चीज़ें गलत है। नेटवर्क का इशू, कई लोग बोल रहे हैं कि नेटवर्क का इशू है या नहीं है, मेरे घर में जियो के नेटवर्क किसी भी फ़ोन में ले लूँ, चाहे नोकिया में ले लूँ, किसी भी फ़ोन में ले लूँ, तो मेरे जियो के नेटवर्क हमेशा फुल आते हैं हर फ़ोन में, बट इस फ़ोन में कभी भी 2 सिग्नल से ज़्यादा नहीं आते हैं, और इवन अगर बैक एरिया में चल जाता हूँ तो वहाँ पर 1 सिग्नल आता है, तो ये नेटवर्क की प्रॉब्लम है। किसी भी बंदे से कोई फ़ोन M30 लेता है, M30s लेता है, तो उसके फ़ोन में जाके देख लेना कि नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी, इवन गारंटेड कह सकता हूँ मैं इस चीज़ के बारे में, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो, और कई बार स्पीड का भी वेरी करता है, मतलब इवन कई बार कॉल भी आपका कनेक्ट नहीं होगा, ये वाला इशू आपको इसमें देखने को मिलेगा, और डेफिनेटली जो लोग कह रहे हैं उनको पता है कि क्या चल रहा है।
कॉल क्वालिटी की बात करूँ तो कॉल क्वालिटी वाइज फ़ोन काफ़ी अच्छा है, कोई भी इशू आपको क्रिएट नहीं होगा कॉल क्वालिटी के मामले में। बट कभी कभी आप यहाँ से बोलोगे तो मतलब सामने वाले के पास में हो सकता है कि आवाज़ कम जाए या फिर आवाज़ जाए नहीं, ये वाला इशू भी आपको इस फ़ोन में देखने को मिलेगा। बट जो नेटवर्क रिसेप्शन है, मतलब माइक्रोफोन यहाँ पर दिया हुआ है, वो बिल्कुल हाई क्वालिटी का है, कोई भी इशू आपको उसमें देखने को नहीं मिलेगा, ये बात आप याद रखिए। नेटवर्क के रिगार्डिंग कोई भी इशू नहीं देखने को मिलेगा। हीटिंग की बात करूँ तो ये फ़ोन मतलब पता नहीं किस चीज़ से बना हुआ है, सैमसंग क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, सैमसंग के साथ में क्या हो रहा है, एग्जोनस 9611 दिया हुआ, बट ये फ़ोन आपको यहाँ से हीट देगा और यहाँ से हीट देगा। अगर आप कॉलिंग कर रहे हो कुछ नहीं कर रहे हो तो हीट नहीं देगा। जो लोग मल्टीटास्किंग करेंगे या फिर जो लोग हैवी यूजिंग करेंगे, जिनको पता है एडिटिंग वगैरह करेंगे या फिर कोई गेम वगैरह खेलोगे या फिर कोई भी चीज़ आप अगर यूट्यूब पे इवन 2-3 घंटे वीडियो देख रहे हो या फिर 1 घंटे वीडियो देख रहे हो, तो ये फ़ोन यहाँ से हीट करेगा। इवन यू कैन ट्राई इन योर M30s, क्योंकि मुझे पता है कि एक यूज़र यूज कर रहा है तो शायद उसको क्या क्या दिक्कत हो सकती है, और उसके बाद में आप डायरेक्टली आपके पास कॉल आता है तो आप डायरेक्टली फ़ोन को कान के नहीं लगा सकते हो, क्योंकि फ़ोन इतना ज़्यादा हीट हो जाएगा कि आपको मतलब कान पर के पास में गर्म गर्मी हो जाएगी और कान में कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है। स्क्रीन ऑन टाइम की बात करूँ तो यहाँ पे तकरीबन 10 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाएगा। अगर आप नॉर्मल यूज़र हो तो 10 घंटे मिल जाएंगे, हेवी यूज़र हो तो 8-9 घंटे मिलेंगे, बट 6000 mAh जितना बैटरी बैकअप नहीं मिलेगा आपको। हालांकि उस वे में अच्छा है फ़ोन, मतलब मान लो चार्ज किया आपने, यूज़ किया मतलब बहुत कम यूज़ कर रहे हो तो 2-3 दिन आराम से निकल जाएंगे, कोई इशू नहीं होगा। कॉलिंग या फिर यूट्यूब वगैरह में तो आराम से निकल जाएंगे। अगर आप कोई मल्टीटास्किंग कर रहे हो, हेवी गेमिंग कर रहे हो, तो उस केस में आपको थोड़ा सा कम बैटरी बैकअप मिलेगा। यार इवन 4000 mAh की बैटरी 7.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम दे देती है, तो यहाँ पे 6000 mAh की बैटरी आपको खींच के 10 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम दे पाएगी। तो यहाँ पे ज़्यादा कोई इशू नहीं है, मतलब 4000 और 6000 में ज़्यादा वेरी नहीं कर रहा, बट यहाँ पे स्टैंड बाई मोड पर बैटरी काफ़ी अच्छी चल जाती है, वो इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। प्लास्टिक के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया कि प्लास्टिक जो यूज़ की गई है काफ़ी चीप क्वालिटी दी हुई है। इवन मैं सैमसंग को यहाँ पे फीडबैक देना चाहूँगा, अगर सैमसंग इंडिया से कोई ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ जो अपने सैमसंग की बिल्ड क्वालिटी दी है M30s के, किसी और फ़ोन में मत देना, क्योंकि फ़ोन एक बार गिर गया तो शायद इंटरनली डैमेज हो सकता है, इवन डेफिनेटली होगा जिसके पास में भी ये फ़ोन है। 48 MP का कैमरा दिया हुआ है ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन, डेलाइट कंडीशन में कैमरा अच्छा है, काफ़ी अच्छे सैंपल्स देखने को मिलेंगे, कोई इशू नहीं हो। बट नाइट लाइफ में चाहे आप नाइट मोड यूज़ कर लेना, चाहे कुछ भी यूज़ करना, चाहे फ्लैश जला के फ़ोन यूज़ कर लेना, बट आपकी जो स्क्रीन पे जो डिस्प्ले करेगा, जो भी सामने जो भी होगा, वो सारी चीज़ें अनडाउटली सारी चीज़ें क्लियर नहीं होगी, मतलब बेकार सी फुटेज आपको देखने को मिलेगी, नॉन यूजेबल फुटेज होगी, कोई भी यूज़ नहीं कर सकते आप उस फुटेज का। इवन यार मेरे पास में नोकिया के अलावा यहाँ पर मेरा Nexus 6P है यहाँ पर, जो कि 4 साल पुराना फ़ोन है, वो भी आज इससे बेटर इमेज क्वालिटी प्रोड्यूस कर देता है, इससे बेटर वीडियो क्वालिटी प्रोड्यूस कर देता है। बट हालांकि वो फ़ोन 40,000 का था, बट यहाँ पे 14,000 रुपये कीमत में आपको और भी फ़ोन है, Redmi Note 7 Pro, Realme जो कि XT या X कोई सा फ़ोन ले सकते हो। मैंने उससे पूरी एक सीरीज़ की हुई है बांसवाड़ा उदयपुर वगैरह की, उसमें नाइट फोटोग्राफी काफ़ी अच्छी होती है। अभी मत समझना कि मैं प्रमोट कर रहा हूँ, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल पर जाके आप फोटोज देख लेना, वहाँ पर आपको क्वालिटी का पता चल जाएगा। स्पीकर की क्वालिटी बात करूँ तो स्पीकर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, कोई इशू नहीं है स्पीकर की क्वालिटी में आपको, मतलब मेरे फ़ोन में मेरी यूनिट में तो काफ़ी लाउड साउंड है। लोग कह रहे हैं कि उनके यूनिट में कम है तो वोट हो सकता है, बट मेरे यूनिट में मुझे ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे मेरे इस पर कि बैटरी ड्रेनिंग का इशू है, डेफिनेटली बैटरी ड्रेनिंग का इशू अगर आप फ़ोन को यूज़ कर रहे हो डेफिनेटली, तो 100-50% बैटरी जल्दी ड्रेन होगी, पर 50-0 काफ़ी कम टाइम में डैमेज होगी, ड्रेन होगी, तो ये बात आप ध्यान रखना। अब प्रोसेसर के लिए कह रहे हैं कि गेम बेड है, मतलब अच्छा नहीं है, तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि Snapdragon 712 जितना प्रोसेसर अच्छा नहीं है, चाहे ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन कुछ भी हो, बट रियल लाइफ में आपको कोई भी यूज, इवन काइन मास्टर पर अगर आप इसमें वीडियो एडिट करते हो 10 मिनट की भी, तो उसमें भी आपका फ़ोन यहाँ से हीट करेगा, इवन यू कैन ट्राई ऑन योर फ़ोन। सो काफ़ी छोटी छोटी चीज़ों में भी आपका ये फ़ोन हीट करेगा, हालांकि नॉर्मल यूज़र के लिए कोई दिक्कत नहीं है, फ़ोन 14,000 रुपये कीमत में अच्छा है। बट अगर आप कोई मल्टीटास्किंग करते हो, एक साथ कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हो, व्हाट्सअप वीडियो कॉल करते हो, तो उसमें आपका फ़ोन यहाँ से हीट होगा। और सेकेंडरी बात ये भी कि व्हाट्सअप के वीडियो कॉल में फ्रंट कैमरा की क्वालिटी ठीक आएगी, बट बैक कैमरा से अगर आप कोई भी शो कर रहे हो, कोई भी बैकग्राउंड शो कर रहे हो, तो आपकी वीडियो में जो फ्लिकरिंग का इशू आपको देखने को मिलेगा, मतलब काफ़ी ज़्यादा फुटेज फ्लिकरिंग होगी। ये आप आपके M30s में वीडियो कॉल करके अभी व्हाट्सएप पे चेक कर सकते हो कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा, और मुझे कमेंट करके बताओ। वेट के बारे में बात करूँ तो 188 ग्राम का वेट है, और वेट काफ़ी अच्छे तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, कोई भी इशू आपको वेट में देखने को नहीं मिलेगा।
डिस्प्ले के बारे में मैंने आपको बता दिया, सैमसंग की वन UI दी हुई है, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस में कोई भी इशू नहीं है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलता है। और इवन में इसमें आपको अगस्त का सिक्योरिटी पैच लेवल अपडेट भी देखने को मिल जाता है, तो वो वाला इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। डॉल्बी एटमॉस का फीचर दिया हुआ है, तो हेडफोन की क्वालिटी, ईयरफोन में काफ़ी अच्छा साउंड आता है, कोई भी इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे कुछ और कमेंट्स है जो कि मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि इस फोन में ये दिक्कत हो रही है, तो नेटवर्क इशू मैंने आपको पहले बता दिया कि नेटवर्क इशू इसमें आ रहा है। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 48 MP का कैमरा, 48 MP कैमरा इतना अच्छा नहीं है। बिल्कुल डेफिनेटली अगर आप फोकस स्पीड भी चेक करते हो तो फोकस स्पीड भी इतनी फास्ट नहीं है। आप कई लोग बोलेंगे कि आप सैमसंग की ब्रांड की तरफ से आप क्या एक्सेप्ट करोगे, बट जो आप पैसे दे रहे हो उस यूज़र एक्सप्रेशन में तो अच्छा होना चाहिए ना। और फ्रंट कैमरे की क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, यूज़ेबल नहीं है। हालांकि आप गूगल कैमरा इंस्टॉल करने के बाद में फ्रंट कैमरे को अच्छे तरीके से यूज़ में ले सकते हो। और यहाँ पे अगर हम बात करें और कुछ क्वेश्चंस के बारे में, तो लोग कहीं लोग बोल रहे हैं कमेंट में कि थोड़ा सा हीटिंग प्रॉब्लम है। और यहाँ पे मैं आपको कमेंट दिखा देता हूँ, कहीं लोग आपको बोलेंगे कि हीटिंग प्रॉब्लम है इसमें, और मतलब है हीटिंग प्रॉब्लम, सब लोग बोल रहे हैं। जिन्होंने फ़ोन ढंग से यूज़ किया है वो लोग को पता चल जाएगा सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है। जो लोग बिना यूज़ करे यूट्यूब पर रिव्यू दिए जा रहे हैं कि फ़ोन में कोई दिक्कत नहीं है, फ़ोन की बैटरी में वो है वो है, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप फ़ोन खरीदने के बाद में कौन सा क्या करने वाला। वाइड एंगल के कैमरे की बात करूँ तो वाइड एंगल का कैमरा इतनी डिटेल नहीं देता है, लाइक मैंने वीवो Z1 Pro पहले यूज़ किया हुआ है, उसकी तुलना में मैं ऐसे कह सकता हूँ कि बिल्कुल भी अच्छा कैमरा नहीं है वाइड एंगल में। इवन उसका मैंने वीडियो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर डाला हुआ है। और यहाँ पे डेप्थ सेंसिंग कैमरा है जो कि सही है, काम करता है, कोई इशू आपको उसमें देखने को नहीं मिलेगा। और कुछ और फीचर्स की बात करो तो यहाँ पे और तो कोई भी शायद कमेंट नहीं बचा है। बिल्ड क्वालिटी एवरेज है, कैमरा 48 MP का बिल्कुल भी नहीं है, बैटरी कभी कभी ड्रेन होती है अगर हेविली यूज़ करते हो, वैसे बैटरी में कोई इशू नहीं है। हीटिंग का इशू है, चार्जिंग में आपको मैंने बता दिया कि 2.5 घंटे से 3 घंटे ले सकता है, वेरी करता है आप कैसा फ़ोन यूज़ कर रहे हो। अगर आपके फ़ोन में मान लीजिए इंटरनेट होना तो फ़ोन चार्ज नहीं होगा जल्दी, ये भी इशू आपको देखने को मिलेंगे। और कुछ और फीचर्स की बात करें, कुछ और क्वेश्चंस की बात करें, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। हाँ, डिस्प्ले काफ़ी अच्छी है, वीडियो प्ले के लिए काफ़ी अच्छा है, कैमरा भी ठीक है, बट आपको मैंने बता ही दिया है कि क्या क्या चीज़ें हैं। और नेटवर्क रिसेप्शन का इशू आपको देखने को मिलेगा। और बताऊँ और कुछ चीज़ें आपको मैं कमेंट में, तो यहाँ पे कई लोग बोल रहे हैं कि फेस अनलॉक आई क्लोज होने के बाद में ट्राई मतलब अनलॉक हो जाता, तो ये चीज़ मैंने ट्राई नहीं की, आप खुद ट्राई कीजिए और देखिए। अब कई लोग तो मुझे बोल रहे हैं भाई सैमसंग की बुराई क्यों कर रहा है, बट भाई मैं किसी भी कंपनी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने फ़ोन ख़रीदा तो मेरे यूज़र एक्सपीरियंस को मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ क्या क्या चीज़ें। हो सकता है आपके फ़ोन में ये दिक्कत ना हो, बट जो चीज़ें मुझे फेस करने को मिल रही है वो आपको बता रहा हूँ। डिस्प्ले वाइज फ़ोन अच्छा है, USB Type-C का पोर्ट दिया हुआ है, हेडफोन जैक का आउटपुट भी अच्छा है, स्पीकर का आउटपुट भी अच्छा है, बट हीटिंग का इशू अभी भी एग्जिस्ट है इस फोन में। अब लास्ट में यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स की बात करूँ, तो प्रोज एंड कॉन्स क्या है, क्या 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 मतलब प्रोज है क्या कॉन्स है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले प्रोज की बात करूँ तो डिस्प्ले काफ़ी अच्छी है और फ़ोन लाइट वेट है, कोई भी ज़्यादा इशू नहीं है। 6000 mAh की बैटरी दी गई है वीडियो वगैरह देखने के लिए या फिर उसके लिए अच्छा है। साउंड आउटपुट अच्छा है, डॉल्बी एटमॉस का फीचर दिया हुआ है, फास्ट चार्जर दिया हुआ है, USB Type-C दिया हुआ है, 3 घंटे आपको चार्ज करने में लगेंगे। और बैक कैमरा अच्छा है डे लाइट कंडीशन में, नाइट लाइफ में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। फ्रंट कैमरा इतना अच्छा नहीं है। कॉन्स की बात करूँ तो यहाँ पे प्रोसेसर इतना अच्छा नहीं है और यहाँ से एरिया हीट करेगा और बैटरी ड्रेनिंग कभी कभी जल्दी होती है अगर आप हेविली यूज़ कर रहे हो, नॉर्मल यूज में फ़ोन अच्छा चल जाएगा। और कुछ और कॉन्स की बात करूँ तो यहाँ पर ज़्यादा कोई मेजर कॉन्स नहीं है, जो जो कॉन्स थे वो नेटवर्क का एक कॉन्स है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो यही कुछ कॉन्स थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। और फ़ोन आप ख़रीदना चाहते हो तो अमेज़न पे 14,000 रुपये क्यों तो मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके ख़रीद लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना।